हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिला है ना, कि आपके पास इस सेशन का सपोर्ट मटेरियल 2023 टू 24 वाला जो अभी आपके पास आया है डीओई की तरफ से, तो हम उसको शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपने नंबर सिस्टम से। तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम पर काम आने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको की पॉइंट्स के साथ साथ टाइप्स ऑफ नंबर्स वगैरह बता रखे हैं क्या है, और उसके बाद यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर शुरू हो गए हैं। तो जो जो सिलेबस में नहीं है डिलीट हो गया, तो अब इस साल वाला जो ये आपके पास सपोर्ट मटेरियल आया ना, उसमें से वो सब डिलीट है। तो आप खाली इसको करेंगे तो भी सफिशियंट है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रीवियस ईयर के जो सपोर्ट मटेरियल है आप उन्हें भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेली बेसिस पे इसके क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर में एमसीक्यू है, सिर्फ आपको टिक लगाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं चैप्टर के तो आप इसे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, वैसे कौन सा रैशनल नंबर? आपको बताइए कि 0 एक रैशनल नंबर होता है ना, पाई नहीं होता, 2 रूट 3 नहीं होता, और 1 प्लस रूट 5 भी नहीं होगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। रटना मत कुछ भी चीज़, समझ के करना। यहाँ तो ये आपके पास एमसीक्यू, बट एग्जाम टाइम में ये आपके पास जो है 1 मार्क में आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सा इरेशनल है? तो जो नंबर रूट में होते हैं, जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये भी इरेशनल नंबर ही कहते हैं, है ना। तो अगर मैं ये देखूँ तो इसको मैं रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, इसको भी रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, इसको मैंने एक रूट में रखा तो 4 आया, इसको भी रूट से बाहर निकाल सकती। सिर्फ एक रूट 5 ऐसा नंबर है जिसको मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकती, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट है मेरे पास, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, आपको एक्स की वैल्यू दी है, 1 अपॉन एक्स आपको निकालना है। तो अगर मैं 1 अपॉन एक्स की बात करूँ तो 1 अपॉन में 2 रूट 3, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखी, रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, कि डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट है, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का रूट 3, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है मेरी ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस का 3, तो 2 माइनस रूट 3 मेरा आंसर है। कि नीचे 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट में कह रहा है, फोर्थ में, एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच का इरेशनल नंबर बताओ। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 अप्रॉक्स में, √3 की भी 1.732 अप्रॉक्स में, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा जो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। और √5 की वैल्यू इनसे बड़ी होती है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ लिखा है −√2, तो −1.414 +1.732 / 2, ये बहुत छोटा नंबर आएगा सॉल्व करके, तो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। फाइनली आपका आंसर ए होगा। आपको सारे ऑप्शन देखने की, बाकी ऑप्शन नहीं हो रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन 5 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ 5 रेज टू पार 2y इक्वल टू 25 है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 5 रेज टू पार −y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो आप क्या करो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 रेज टू पार 2y इज इक्वल टू 25 को कर सकते हो ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने क्या किया, 25 को ना 5 के फॉर्म में लिख दिया, 5 रेज टू पार 2 लिख दिया, रेज सेम है तो पार्ट्स नीचे आ गई मेरे पास, वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से पहले 1 निकाल ली, अब इस वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मतलब माइनस में है तो अपॉन में हो जाएगा ना रेसिप्रोकल, तो 1/5 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो आज हमने एमसीक्यू वाले अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं
उनको करेंगे। अब ये स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती रहे आप साथ साथ करते रहिए, कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है आपको भी पता है, और आपको ये बुक अच्छे से रिवाइज़ करनी है। मेरे साथ साथ आप इसको करते रहिए तो आपकी रिवीजन अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।